ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ABCD पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर और राइट एंगल कहा गया है। तो इन एनी पैरेललोग्राम, इन एनी पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, इफ द डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, देन इट मस्ट बी अ स्क्वायर और रोम्बस। ये प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये पैरेललोग्राम है, इसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे। पैरेललोग्राम में क्या क्या आता है, रेक्टेंगल आता है, पैरेललोग्राम में क्या क्या आता है, रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, रोम्बस भी आता है, और एक पैरेललोग्राम भी आता है। ये सारे पैरेललोग्राम की कैटेगरी में, स्क्वायर और रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, और इन दोनों का जो डायगोनल्स होता है, यानी कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है दैट विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, और रोम्बस का भी जो डायगोनल होता है वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। स्क्वायर और रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेगा। ओनली स्क्वायर एंड रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो अगर डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल्स पे, दैट मीन्स वो या तो स्क्वायर होगा या फिर वो रोम्बस होगा। अब अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर का d1 इक्वल टू d2 होता है, स्क्वायर का जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल होगा स्क्वायर के लिए। लेकिन रोम्बस के लिए जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल नहीं होगा, d1 विल नॉट बी इक्वल टू d2। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो दो डायगोनल्स है वो 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि d1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और d2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और वो दोनों अनइक्वल है। दैट मीन्स ये फिगर क्या है, ये कौन सा पैरेललोग्राम बना, ये जो पैरेललोग्राम बना इसको हम लोग बोलेंगे रोम्बस। दिस इज अ रोम्बस वाला पैरेललोग्राम है, दिस इज अ रोम्बस, द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। ठीक है, अब अगर ये रोम्बस है तो इस प्रकार से इसका हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिए, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ये मेरा रोम्बस जो है ये ए बी सी डी ओ। अब यहाँ पे दिया दिया गया है कि एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, तो उसको हम मान लेते हैं, जो मेरा डायगोनल 8 सेंटीमीटर है दैट इज माई डीबी, डीबी डायगोनल मेरा 8 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, और एसी मेरा जो डायगोनल है उसको हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये रोम्बस है, डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका रोम्बस का ये प्रॉपर्टी होता है कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट भी करेगा। अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि वो बाइसेक्ट भी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि D से O जो डिस्टेंस है, O से B भी वही सेम डिस्टेंस होगा, A से O जो डिस्टेंस होगा, O से C भी वही डिस्टेंस होगा। दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ए सी बाई टू, दैट इज इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड डी ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू डी बी बाई टू इक्वल टू 8/2, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल डी ओ सी में देखते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि डी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू
बीसी स्क्वायर, डीओ स्क्वायर मेरा क्या है, डीओ स्क्वायर मेरा यहाँ पे दिखा 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, ओसी स्क्वायर मेरा क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर इक्वल टू डीसी स्क्वायर निकल जाएगा। तो इससे हम डीसी स्क्वायर जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25, तो डीसी मेरा क्या हो गया √25, इसको हम लोग लेंगे 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक डीसी मेरा 5 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ये मेरा रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये चारों साइड इक्वल है, दैट मीन्स ऑल द साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, विच इज द आंसर।